प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक अ वीडियो। थैंक यू। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज संपूर्ण भारत के जितने व्यापारी लोग हैं, जो किराने का, गहने का, कपड़े का, जमीन का कोई ना कोई काम करते हो और वो चाहते हो कि मेरा काम वट वृक्ष की तरह शाखाएं फैला के ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में, जैसे अमेजॉन है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस है, वैसा मेरा काम भी पूरी दुनिया में चमकनी चाहिए, उन लोगों के लिए एक सुंदर सरल श्रेष्ठ, क्योंकि व्यापार करने वाले व्यापारियों से ही ये भारत बहुत प्रकार से लाभ पाता है। अगर वो कोई चीज प्रदान नहीं करेंगे उनके लिए वो नफे का वस्तु है, लेकिन व्यक्ति के लिए उससे जीवन की आपूर्ति है। हम कपड़े हो, के गहने हो, के दान हो, के कोई भी प्रकार की वस्तु हो, दुकानों में जाके खरीदते हैं तब हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है। किसान लोग इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, तो ये व्यापारी लोग इस देश के मस्तक की बुद्धि हैं। तो ये मस्तक की बुद्धि मजबूत हो जाए तो रीढ़ की हड्डी भी बलवान हो जाए। ऐसे व्यापारी कई मेरे पास आके कहते हैं, महाराज नोटबंदी हो गई तब से मार्केट बहुत ठंडा है, महाराज कोरोना आ गया हमारा तो हालत खराब हो गया। अब व्यापारी लोग बेचारे धीरे धीरे कोई ना कोई एक चपेट में आ जाते हैं और अपने व्यापार कि जो मार से इतने दुखी हैं। मैंने तो अभी इस कोरोना के काल में कई बड़े बड़े व्यापारियों को बिल्कुल हताश होते और जीरो होते देखा है। कुछ शहरों में तो दुकानें ही बंद हो गई व्यापारियों के, और कई लोग तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिस कंपनियां सब आप जानते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, मैं ध्यान शतक, ध्यान बिंदु जैसे पुस्तक पढ़ता हूं, तो जो वस्तु आपके पास रहती है उसका गुण आप में प्रवेश करता है। तंत्र शास्त्र में बताया है कि वट वृक्ष को आप कितना भी उखाड़ के फेंको, वो वापस धीरे से अपना पत्ता खोल के धीरे धीरे पनपने लगता है और ऐसी शाखाएं फैलाता है। इस दुनिया में बड़े से बड़े वृक्ष के नाम में अगर कोई वृक्ष है तो वो वट वृक्ष है। व्यापारी लोग जिनकी इच्छा है कि मेरा गल्ला भरा रहे, मेरा काम पनपे और मेरा काम पूरी दुनिया में ऐसे फैले कि कहीं जाऊं तो मेरा नाम रहे। जैसे लोग आजकल अम्मा जान नहीं बोलते, कम बोलते, अम्मा को कम याद करते और अम्मा जान नहीं बोलते और अमेजान को ज्यादा याद करते हैं, उस प्रकार से व्यक्ति अपने अपने व्यापार को डेवलप करना हो तो आज मैं जो तंत्र बता रहा हूं इसको कोई कर ले, बल्ले बल्ले हो गया जी मेरे कल्ले कल्ले हो गया, बल्ले बल्ले हो जाएगा जब ये उपाय पूरा हो जाएगा। करना इतना ही है कि एक अच्छी पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूर्णिमा दिन में चलती हो, उस दिन आप सुबह में 12 बजे पहले, सूर्योदय से 12 बजे पहले किसी भी वट वृक्ष के पास एक लोटे जल में थोड़ा सा हल्दी का पानी लेके जाएं और वट वृक्ष की छाया के नीचे जहां मट्टी है वहां वो पानी छांट दें। फिर थोड़ी देर वहां बैठें, क्योंकि उस मट्टी में कभी कुत्ते तट्टी गए होंगे, कोई गंदगी लगी होगी, ऐसे ही वो मट्टी को लेके आ जाओगे तो वो पहले भूमि शुद्धि करनी पड़ती है। इसलिए एक लोटे में पानी, पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के जाएं और उसको थोड़े से ऐसे छांट लें, उस जगह पर छांट लें, और ये जो कर्म आप कर रहे हो इसको करते समय आपका मुख पूर्व की दिशा में होना चाहिए, फेसिंग ईस्ट, खड़े होकर के वट वृक्ष की छाया के नीचे वाली मट्टी, बाहर की नहीं, जहां ये वटवृक्ष छाया दे रहा उसके नीचे की मट्टी पर ऐसे हल्दी का पानी छांटे और छांटने के बाद थोड़ी देर वही रहे और जो वहां शाखाएं लटक रही उसमें से खाली इतना सा एक टुकड़ा, एक उस शाखा का जो शाखाएं लटकती रही है, बहुत सारी लटकती है वटवृक्ष में,
उसमें से इतना सा एक टुकड़ा वंदन करके अनुमति लेके प्रार्थना करके, वृक्षराज मैं अपने कल्याण के लिए आपका ये छोटा सा भाग ले रहा हूं, मुझे क्षमा करें, मुझे आशीर्वाद दें कि आपके ही तरह मेरा दुकान, मेरा काम, मेरी व्यवस्था, मेरा व्यापार पनपता जाए, इसलिए ये शाखा ले जा रहा हूं, मेरे भी अनेकों शाखाएं बन जाए इसलिए ये ले जा रहा हूं। ऐसे प्रार्थना करके आप छोटा सा एक 3 इंच जितना छोटा सा शाखा तोड़े, नीचे से एकदम एज से जहां से लटक रहा है एज से छोटा सा शाखा तोड़े, और इस शाखा को तोड़ने के बाद ये मिट्टी में जब पानी छांटा 10-15 मिनट बाद, एक मुट्ठी थोड़ी सी, एक मुट्ठी जितनी मिट्टी जहां से हल्दी छांटा पानी छांटा उस जगह से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, और इन दोनों को एक पीले कपड़े में ले लें, और वट वृक्ष का बीज, आप ये नाटी दवाई के दुकान में कहीं भी पूछेंगे तो वट वृक्ष के फल के बीज मिलेंगे। वट वृक्ष में छोटे छोटे गोल गोल लाल फल लगे रहते हैं, वो फल लगा हो वहां तो आप वो फल ही लेके उसमें रख सकते हैं, एक ही फल रखना है, एक छोटा सा शाखा, थोड़ी सी मिट्टी पीले कपड़े में। अगर वो नहीं मिल रहा है तो ये दवाई की दुकानों में, आयुर्वेदिक दुकानों में वट वृक्ष का बीज बोलो तो मिलता है, उसको रख सकते हैं, या पेड़ पर ही फल लगा है तो वो फल बीज के साथ ही होता है इसलिए फल रख सकते हैं। एक फल, थोड़ा सा शाखा, मिट्टी, इसको एक पोटली की तरह पीले डोरे से बांध लें, और पूनम के दिन ही इसको धूप दिखा के अपने इष्ट देवता को, दुकान में जो भी फोटो लगा है, इसको घर पर लेके नहीं जाना है, घर पर नहीं जाएगा पोटली, इसको दुकान ले जाएंगे, दुकान पे जो रोज धूप दीप करते हो, कोई फोटो रखे हो तो उसके पास रख के पहले धूप दीप कर लें, प्रार्थना कर लें, और दोपहर में 12 बजे पहले बराबर मध्यान्ह की वेला में इस पोटले को अपने गले में रखते समय प्रार्थना करें कि मेरा गला वट वृक्ष की तरह सदा हरा भरा हो, जितना वट वृक्ष फैला है इतना मेरा काम फैले, इस प्रकार से शाखाएं फैले कि दुनिया की हर जगह मेरा काम हो। तो तंत्र शास्त्र में बताया है कि वट का बीज, वट की शाखा, वट की छाया की मट्टी जहां रहती है वहां विजय ही विजय होता है, वृद्धि ही वृद्धि होती है, धन ही धन होता है। तो आप इस महामंगलकारी तंत्र शास्त्र के वट वृक्ष तंत्र को करके अपने व्यापार को, अपने कार्यों को सिद्ध करें। कई लोग कहते हैं महाराज के व्यापारियों के लिए भी कुछ बताओ, आखिर हम भी तो यहाँ चपेट खाए हुए हैं, कितने ही साल हो गए जमीनों के धंधे, मार्केट खराब 2005 में हुआ, अभी तक उठ नहीं पाया महाराज, सोने का भाव ऐसे चढ़ रहा जैसे पर्वत पर कोई आदमी चढ़ता हो, हर जगह परेशानी है महाराज, कुछ बताओ। तो मैंने सोचा कि भाई एक ऐसा उपाय है जो सरल तो है लेकिन शक्तिशाली है, इस उपाय को करके भारत का हर व्यक्ति व्यापारी अपने कार्य में सफल हो, समृद्ध हो, उस समृद्धि का फल लाभ में परिवर्तित हो के गायों के लिए, कबूतरों के लिए, गरीबों के लिए काम आए, क्योंकि ये व्यापारी वर्ग ही ऐसा एक वर्ग है जो रोटरी क्लब, जेसिस क्लब, कितने लायंस क्लब में मेंबर बनता है, और बड़े बड़े पिंजरा पोल, कबूतर खाना, गौशाला चलाता है, हर जगह डोनेशन कंट्रीब्यूशन का अगर बात आती है तो उसमें सबसे आगे व्यापारी लोग होते हैं, इसलिए व्यापारियों के पास पैसा रहेगा तो भारत में कई अच्छे काम होंगे, ये सोच के इस उपाय को मैं आप लोगों को अर्पित करने में बहुत प्रसन्न हो रहा हूं। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें।